नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। और इसी प्रकार हम और आगे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो सभी एग्जाम के लिए वेरी उपयोगी हैं। तो मित्रों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, जस्टिस रानाडे, ज्योतिबा फुले, केशव चंद्र जैन और श्री नारायण, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस रानाडे। तो जस्टिस रानाडे ने मित्रों आत्माराम पांडुरंग के साथ में मिलकर, इसके साथ में आत्माराम पांडुरंग के साथ में मिलकर 1867 1867 के अंदर बम्बई के अंदर इसकी स्थापना की, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो मित्रों यहाँ पे ये नंबर है उसमें गलती हो गई, जो दो नंबर वाला क्वेश्चन है वो लास्ट में आ जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, लाला हरदयाल, दादा भाई नौरोजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा और महात्मा गांधी। और इसमें अधिकतर आप जो है स्टूडेंट वो लगाएंगे दादा भाई नौरोजी, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने लंदन के अंदर इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ठीक है। और ये मित्रों जो भी छात्र लंदन के अंदर पढ़ने जाते थे, ठीक है, उनके लिए एक हॉस्टल सुविधा प्रदान करता था। और धीरे धीरे ये राष्ट्रवाद का केंद्र बनता गया, ठीक है। तो मित्रों और इस ये रहा 1905 से लगाकर 1909 के बीच में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो रहा ये, गदर पार्टी का प्रधान केंद्र कहाँ था? गदर पार्टी का प्रधान केंद्र कहाँ था? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, जापान, जर्मनी, लंदन और सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो मित्रों ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो गदर पार्टी का जो प्रधान केंद्र था वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। और इसकी जो स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है। और इन्होंने विभिन्न भाषाओं के अंदर पत्रिका का संपादन किया, ठीक है, गदर पत्रिका, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित की जाए, राष्ट्र, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो रहा, निम्न में से किसने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया? आपके सामने चार ऑप्शन है, राजा महेंद्र प्रताप, राजा गज सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजा हरी सिंह ने, ठीक है। तो मित्रों आपका आंसर होगा यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप ने। इन्होंने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन किया। और ये भारत के अंदर जर्मनी की सहायता से, किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है, भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे। लेकिन तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने इन इस सरकार का दमन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ? ठीक है, नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, फरवरी 1946, अगस्त 1946, मार्च 1946 और अप्रैल 1947। और इसके सामने आपका जो सही आंसर होगा वो होगा फरवरी 1946 के अंदर। ये मित्रों कैबिनेट जो मिशन आया था जिसके आधार पर तो भारत का निर्माण हुआ, ठीक है मित्रों। तो इसे जस्ट ये पहले हुआ था। और इन्होंने जो सैनिक थे, नौ सैनिक, इन्होंने आईएस तलवार नामक जहाज पर ये विद्रोह किया था। ये मित्रों हैदराबाद और सिंध जो प्रांत था, सिंध बम्बई क्षेत्र, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। इन्होंने जो अपने राष्ट्रीय नेता थे जैसे कि नेहरू जी हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, ठीक है, इन सभी के पोस्टर लगाए थे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या। इसका सही आंसर है मित्रों वो है लाहौर प्रस्ताव 1940, ठीक है। लाहौर प्रस्ताव 1940 के अंदर पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, ठीक है। और
और ये पाकिस्तान नाम है, ठीक है, वो रहमत अली चौधरी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहली बार किस उपनिषद में चार आश्रम का उल्लेख किया गया? पहली बार किस उपनिषद में चार आश्रम का उल्लेख किया गया? चार आश्रम के बाद में आप जानते हो सभी, ठीक है, और ये सबका सही आंसर होगा जावलो जालोपनिषद, ठीक है, क्या होगा? जावलोपनिषद, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो आपका ये सही आंसर हो गया जावलोपनिषद। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किस उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म और कर्म फल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, किस उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म और कर्म फल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? और इसका जो सही आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। कौन सा? बृहदारण्यक उपनिषद। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि भारत में गोवा में सबसे पहले किनके द्वारा, यहाँ पे मित्रों ये मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगा गई, तो ये आपको बताना है। तो ये मित्रों आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रांसिस फ्रांसीसियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा और भारतीयों के द्वारा। तो ये आपको सही आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। साथ ही एक बात और बता दूँ आपको मित्रों कि भारत के अंदर सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे वास्को डी गामा, और उसके बाद आए थे डच। कौन आए थे? डच। उसके बाद आए थे अंग्रेज़। ये आपको क्रम याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार है पीडी यानी पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डैन, डैन के बाद फ्रांसीसी। इस प्रकार से ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक्टर, ठीक है, कमागत मारू, तलवा और तारिणी। तो सिंपल आंसर है इसका, सही आंसर है हेक्टर नामक, हेक्टर नामक जहाज से। ये मित्रों इंग्लैंड से जेम्स प्रथम का जो पत्र लेकर अकबर के दरबार में आए थे, लेकिन अकबर की उस टाइम मृत्यु हो गई थी, और उनके बाद जो तो शासक बने थे वो बने थे जहांगीर। कौन बने थे? जहांगीर शासक बने थे, और जहांगीर से इन्होंने आगरा के किले अंदर किले के अंदर बात की, ठीक है, मुलाकात की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये ब्लैक होल की घटना कब हुई? ब्लैक होल की घटना कब हुई, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना के बारे में बात करते हैं मित्रों, तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, 20 जून 1846, ठीक है, 20 जून 1846, 20 जून 1856, 20 जून 1756, ठीक है, और 20 जून 1757। तो आपको बताना होगा ठीक है सही आंसर क्या है। सही आंसर है मित्रों 20 जून 1756, ठीक है। सिराजु द्वौला जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है, इन्होंने 146 अंग्रेज़ अधिकारियों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था, ठीक है, और उसके अंदर उसके बाद केवल मात्र 23 अंग्रेज़ जिंदा बचे थे, ठीक है, कितने? 23 अंग्रेज़। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये साथ में बता दूँ, और यही वजह जो बनी प्लासी के युद्ध का कारण, ठीक है, प्लासी के युद्ध का कारण जो कब हुआ था? 1757 के अंदर अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 22 अक्टूबर 1766, 1 अक्टूबर 1767, 20 अक्टूबर 1744, ठीक है, और 22 जुलाई 1764। तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा मित्रों 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, और इसके माध्यम से मित्रों अंग्रेज़ों ने भारत की तीन शक्तियों को एक साथ में पराजित किया था। तीन शक्तियों में एक थे मित्रों दिल्ली के शासक, ठीक है, दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय, अवध के शासक शुजाउद्दौला, और बंगाल के जो अपदस्थ नवाब थे जिनका नाम था मीर कासिम, ठीक है, इन सभी को एक साथ इन्होंने पराजित करने का काम किया।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? तो मित्रों ये बता दूँ आपको, ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त है इसको जमींदारी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, और ये कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है, किनके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो आपको सही आंसर बताना है ये कितने प्रतिशत भूभाग में थी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, 30%, 19%, ठीक है, 51% और 25%। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा वो होगा 19% भाग पे, ठीक है। साथ ही आपको बता दूं 30% भाग पे जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी, कौन सी थी, ठीक है, एक मिनट मित्रों। नहीं, एक मिनट, 30% व्यवस्था थी मित्रों वो एक ये थी महालवाड़ी, ठीक है। महाल का मतलब होता है गांव, और इसके जो जनक थे वो थे ऑल्ट मैकेंजी, कौन थे, ऑल्ट मैकेंजी। और जो 51% भाग पे जो व्यवस्था थी वो थी मित्रों रेतवाड़ी। रेत का मतलब होता है किसान, कौन होता है, किसान, और किसान को जो भूमि का मालिक माना गया। तो इसका जो सही आंसर आपको पता लग गया क्या है, 19%, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस चार्टर के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1813 का चार्टर, ठीक है, 1833 का चार्टर, 1793 का चार्टर, 1853 का चार्टर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1833 का चार्टर, ठीक है। और मित्रों विलियम जो बेंटिक थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, ये बात आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के चार चार्टर प्रदान किए गए, ठीक है, ये चारों आपके सामने हैं, 1793, 1813, 1833 और 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सहायक संधि का जनक किससे माना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, डुप्ले, वेलेजली, कॉर्नवालिस, डी अल्मेडा, ठीक है। तो आप सभी का जो आंसर होगा यहाँ पे वेलेजली होगा, ठीक है, सभी का नहीं कह सकता हूँ, जो कुछ लोग होते हैं इनमें कन्फ्यूज होता होगा वेलेजली और, ठीक है, डुप्ले में। तो मित्र जो सहायक संधि का जनक है वो डुप्ले को माना जाता है, ये फ्रांसीसी गवर्नर थे, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर थे और इनको सहायक संधि का जनक माना जाता है। भारत के अंदर जो सहायक संधि की, ठीक है, अंग्रेजों जो भारत में अंग्रेजों में से वो की, ठीक है, वेलेजली ने, किसने की, वेलेजली ने सबसे पहले की थी मित्रों 1798 के अंदर हैदराबाद के निजावली से, ठीक है, हैदराबाद के निजावली से। नेक्स्ट बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, चार्ल्स वुड डिस्पैच कब अस्तित्व में आया? तो मित्रों आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1854, 1853, 1858, 1852। तो ये आया अस्तित्व मित्रों 1854 के अंदर, चार्ल्स वुड के नेतृत्व के अंदर एक शिक्षा प्रणाली का गठन किया गया, ठीक है, किसका, शिक्षा प्रणाली का गठन किया गया, और इसी कारण इसको बोलते हैं चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ठीक है मित्रों। और इस भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली का, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में दूसरी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कलकत्ता से रानीगंज, मुंबई से ठाणे, केरल से कर्नाटक और पुणे से मुंबई। तो आपका ये सही आंसर होगा कलकत्ता से रानीगंज, ठीक है, कलकत्ता से रानीगंज 1854 के अंदर, ठीक है, जो पहली बिछाई गई थी 1853 के अंदर मुंबई से ठाणे, 32 मील, ठीक है, ये ध्यान रखना, पेनिनसुला रेलवे कंपनी के द्वारा, और ये दूसरी वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है मित्रों, किसके काल में डाक टिकट प्रारंभ किया गया? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, हेस्टिंग, बेंटिंक, रिपन और डलहौजी, हेस्टिंग, बेंटिंक, रिपन और डलहौजी, और सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर, ठीक है,
डाक टिकट प्रारंभ किए गए। और सबसे पहले जो डाक टिकट कहाँ से जारी किए गए, तो जारी की बात करूँ तो ये कराची से जारी किए गए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर किसका वलय किया? तो मित्रों आपके सामने चार ऑप्शन दे रहे हैं, सतारा, अवध, झांसी और नागपुर। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा अवध। ठीक है, अवध का जो विलय किया गया था वो किया गया था कुशासन के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, 16 जनवरी 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 सितंबर 1905 और 16 जुलाई 1905। आपका सही आंसर होगा मित्रों 16 अक्टूबर 1905 के अंदर। और इस दिन मित्रों बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया, आपस में राखियां बांधी और इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोलह एक जो ठीक है ये गीत है मित्रों, अमर सोनार। ठीक है, अमर सोनार नामक गीत गया जो वर्तमान के अंदर बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, तो आई होप मित्रों ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और इसी प्रकार हम और नई वीडियो लाते रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।